वक्त है लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनावी त्यौहार का। विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बसंत अग्रवाल जी। साझा विधानसभा से बसंत अग्रवाल जी भाजपा के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में आइए उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि अगर उन्हें टिकट मिलती है तो उनका साझा में क्या लक्ष्य होगा और किस मूल एजेंडे के साथ वो चुनाव में और जनता के बीच जाएंगे। साझा विधानसभा 35 सालों से कांग्रेस का गढ़ थी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने तय कर लिया था कि जो 35 साल में नहीं हुआ इस साल करना है। तो साझा की जीत भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की जीत थी और उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में हर व्यक्ति देख रहा है। बताने की आवश्यकता नहीं है, चाहे गरीबों के लिए आवास की बात हो, चाहे निर्धनों की सहायता की बात हो, चाहे कन्याओं की बात हो, चाहे किसी भी वर्ग की बात हो, सभी वर्ग को वो मिला जो उनको 35 और 50 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं मिला। तो मुझे निश्चित रूप से यह विश्वास है कि फिर से एक बार भाजपा साझा में जरूर कमल खिलेगा निश्चित रूप से। युवाओं के आप रोल मॉडल हैं, युवा आपको लेकर लगातार कैंपेनिंग चलाते हैं, वो चाहते हैं कि साझा में विधानसभा में आपको टिकट मिले। तो ऐसे में युवा बड़े सभी तबके के लोगों के आप पसंदीदा माने जा रहे हैं, तो आपके लिए कैसा चुनौती होगा इस बार? मैं युवा हूँ, चुनौती नहीं, ये मेरे लिए एक अच्छी बात है कि मैं युवा हूँ और युवा वर्ग मेरे साथ है। कहते हैं युवा बदलेगा तो देश बदलेगा और निश्चित रूप से युवा ही बदलेगा तभी देश बदलेगा और युवाओं को राजनीति में आना बहुत जरूरी है। हमारी पार्टी भी कह रही है कि इस बार 35 से 40% सीटें युवाओं को देंगे और 60 से 70% नए चेहरे होंगे और परिवर्तन संसार का नियम है। एक हमारे वरिष्ठ हैं तो फिर दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है, ये सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी और पार्टी जिसको टिकट देगी निश्चित रूप से उसी के लिए काम होगा। भारतीय जनता पार्टी के मिशन 65+ के लक्ष्य को आप कैसे देखते हैं? 65+ मैं तो 70+ समझता हूँ, वो तो एक कम आंकड़ा किया गया है क्योंकि जो क्षेत्र में 15 साल में जो विकास हुआ है, एक बीमारू राज्य था छत्तीसगढ़ 2003 में जब हमको मिला था और आज जो स्थिति है वह देश के सबसे अग्रणी राज्यों में छत्तीसगढ़ आता है। तो निश्चित रूप से 65+ ही नहीं मैं 70+ सोचता हूँ। हाल ही में साझा विधानसभा में एक मंच पर संसदीय सचिव लाभचंद बाफना और आपके बीच तुतू मैमे की खबरें आई थी और ये विवाद काफी गहराया भी था, सभी जगह ये आप चर्चा में छाए हुए थे, ये क्या माजरा था और किन बातों को लेकर ये विवाद उत्पन्न हुआ था? लाभचंद जी हमारे बुजुर्ग नेता हैं और वरिष्ठ हैं, अब उनके मन में कैसी क्या बातें आई मुझे उस चीज का बिल्कुल संज्ञान नहीं है। जहाँ तक कांवड़ यात्रा का सवाल है, ये धर्म की यात्रा है और हमेशा चलती रहेगी, कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। तो उनके मन में कैसे चीज़ें आई, क्यों उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, ये उनका विषय है। आप कैसे इसको देखते हैं? युवाओं में भी इसके बाद काफ़ी आक्रोश जागा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, लोगों ने जमकर निशाना साधा था संसदीय सचिव पर, कांवड़ यात्रा भगवान की आस्था के साथ खिलवाड़ बताया था, तो इसको आप क्या कहेंगे? किसी भी वर्ग के लिए हो उसके लिए उसका धर्म सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मैं हिंदू हूँ, मेरे लिए मेरे शिव जी सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं और कांवड़ यात्रा का विरोध चाहे वो लाभचंद जी हो चाहे वो कोई भी हो, और हमारी भाजपा की ये रीति नीति नहीं रही है कि हम किसी भी धार्मिक आयोजन का विरोध करें, और यदि वो इस चीज़ का विरोध करते हैं तो निश्चित रूप से उनको विरोध का सामना करना पड़ा। पूरे क्षेत्र में कांवरियों को नाराजगी देखी गई, जितने 10,000 लोग मेरे साथ हर साल जो जाते हैं उनके मन में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। पहली बार ऐसा हुआ कि कांवरिये निकल के खुद से बाहर आए और उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया, बाबा धाम में विरोध दर्ज किया। निश्चित रूप से किसी धार्मिक यात्रा का किसी भी दल के द्वारा कभी भी विरोध नहीं होना चाहिए, ये मेरा स्पष्ट लाइन है। आपको क्या लगता है, इस बार 15 सालों से भाजपा सरकार सत्ता में काबिज है, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी की भी बात आ रही है, तो मैं आपको ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस बार भी चौथी बार भाजपा की सरकार बनेगी? एंटी इनकम्बेंसी से भी कारण नहीं हो सकता और एंटी इनकम्बेंसी के लिए नए चेहरे उतारे जा रहे हैं क्योंकि पब्लिक भी थोड़ा सा परिवर्तन चाहती है कि भाई कुछ नए चेहरे आए। सरकार के प्रति लोगों के मन में जबरदस्त रुझान है, डॉक्टर रमन सिंह जी, डॉक्टर सरोज पांडे, इनके प्रति लोगों के मन में जबरदस्त रुझान है, इसलिए हमको इस चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर साझा विधानसभा में स्थानीय और बाहरी व्यक्ति का भी मुद्दा गरमाया हुए हैं, स्थानीयता की बात आ रही है वहां पर, तो इस पर आपका क्या कहना है?
निश्चित रूप से किसी भी क्षेत्र में स्थानीय व्यक्ति को महत्व मिलना चाहिए और क्षेत्र के लोगों में ये जबरदस्त रुझान है कि इस बार स्थानीय व्यक्ति को मिले। 2 लाख में एक व्यक्ति तो ऐसा हो जो उनका प्रतिनिधित्व करे, ऐसा लोगों के मन में है और मैं सोचता हूँ पार्टी को भी इसमें विचार करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, स्थानीय चेहरा होना चाहिए। हाँ, ये तो सही बात है कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय चेहरा आएगा तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। तो ऐसे में पार्टी भी इस ओर अगर मंथन करेगी तो एक ये प्लस पॉइंट होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। तो लोगों के बीच आप कैसे जाएंगे, और स्थानीयता की बात तो है हो गई, लेकिन वहाँ की कुछ समस्याएं जनता की, उसको आप कैसे उनका निदान करेंगे? स्थानीय चेहरा होने से 15-20 हज़ार लोग स्वतः उनके साथ जुड़ जाते हैं, जो कि बचपन के उनके साथ खेले रहते हैं, कूदे रहते हैं, स्कूल में पढ़े रहते हैं, लोगों का मिलना जुलना लगा रहता है और उनको मिलने में तकलीफ नहीं होती है। स्थानीयता बहुत बड़ा मुद्दा इस बार साझा के लिए। और जहाँ तक विकास की बात है, डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में बहुत विकास हुआ है और आगे भी होगा। सरोज पांडे जी हमारी नेता रही हैं, सारी चीज़ें वो सुनती हैं, बात समझती हैं, इसलिए हमें पब्लिक के बीच अपने विकास कार्यों को लेकर कहीं कोई तकलीफ नहीं है। पर बाकी मुद्दे भी साझा विधानसभा के लिए इस बार महत्वपूर्ण रहेंगे। ये थे हमारे साथ युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के बसंत अग्रवाल जी। हमने इनसे जाना कि अगर लाभ साझा में इन्हें विधानसभा टिकट मिलती है तो इनका मूल एजेंडा क्या होगा, इनका लक्ष्य क्या होगा। कैमरामैन होरी जलाल जसवाल के साथ भीष्म परिहार, क्लिपर 28।